कई बार लोग बिना किसी रीज़न से आपसे दूर होने लगते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, और उनका रीज़न होता है कि अब उनका ना मन आपसे भर गया होता है, आपसे, आपके प्यार से, आपकी फीलिंग से, अब आप किसी को हर्ट करते हो, या आपने ऐसा कुछ भी कहा या किया तो आपका पार्टनर आपसे नाराज़ होता है, आपको इग्नोर करता है, तो आपको ना समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं। लेकिन कई बार लोगों के साथ ये होता है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि मेरा पार्टनर मेरे से दूर क्यों जा रहा है भाई, वो मुझे इग्नोर क्यों करने लगा अचानक, रीज़न ही पता नहीं कि ऐसा क्यों है। तो कई बार ना उनका मन भर गया होता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है। मैं आपको ना ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले आपको ये रीज़न जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई में वो इग्नोर इसलिए कर रहा है कि उसका मेरे से मन भर गया, ठीक है। तो ये रीज़न हम कंफर्म करेंगे कि यही रीज़न है या नहीं रीज़न है, हम इस वीडियो में, अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्यों हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि लोगों का हमसे मन भर जाता है, और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो है ना, ये जस्ट हम पहले कंफर्म कर ले कि रियल में क्या उनका मन भर गया है इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा है। तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो चीज़ें जहाँ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ आपको अपने पार्टनर में दिखेगी कि आपके पार्टनर को ना आपके सिवा हर किसी के लिए टाइम होता है। अब आप देखोगे कि वो बंदा अपने काम को भी टाइम दे रहा है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में या उनके फ्रेंड्स को टाइम दे रहा है, लेकिन उनके लिए ना आपके पास टाइम नहीं होता। अब ये जब उनका मन भर जाता है ना तभी भी होता है, और जब वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा ना तब तो ये कन्फर्म करेगा। लेकिन हाँ, अब उनका मन भर गया मतलब तुम्हारे साथ बातचीत करके, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके उनको प्लेजर नहीं मिल रहा है, उनको खुशी नहीं मिल रही है, तो उनका मन भर गया है भाई। अब आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर कम बात कर रहा है, तो या तो आप इस चीज़ के ऊपर बात करोगे या आप उनसे ना टाइम मांगोगे कि मेरे साथ बात करो या ये चीज़ें करो। जब आप कॉल या उनको कॉन्टेक्ट करते हो तो ज़्यादातर उनका जो आंसर होता है वो है कि काम में बिजी हो। अब आप भली बात इस बात को जानते कि यार यही बंदा है, यही लड़की है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो मतलब कितनी अच्छी तरह से बात करता था, सामने से बात करता था, और बात करके बहुत ज़्यादा खुश भी हमारे साथ रहता था। अभी यही बंदा है, ये अचानक से अपनी लाइफ में ऐसे बिजी कैसे हो सकता है। एंड आप ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इतना कुछ दिखेगा भी नहीं कि उसकी लाइफ में बढ़ गया है, कुछ ऐसा टेंशन आ गया, या कोई भी रीज़न आपको लगता नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ, जस्ट ये बहाना मार रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन वाकई में वो बिजी नहीं है। यह बात आपको लगती है तो हाँ, वो बिजी होने का बहाना ही कर रहा है, एक्चुअल में उनका मन भर गया है। तीसरी चीज़, जब आपको ये पता चल जाता है कि ये बंदा कोई बिजी नहीं है, कोई काम में नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी न जाने ये मेरे से बात क्यों नहीं करता, क्यों ये इग्नोर कर रहा है, क्यों ये दूर रह रहा है, जब आप इस चीज़ के लिए उनसे लड़ने लगते हो, वहाँ तक आप चले जाते हो कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, जब ज़्यादा तुम सवाल कर देते हो ना तब वो पर्सन तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा, ठीक है, तुम्हें अच्छा बुरा बोलेगा, तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें क्या पता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देखोगे जो पर्सन हमेशा आपसे प्यार से बात करता था या स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी तरह से आपसे बात करता, वो पर्सन अब गुस्सा भी करेगा, यानी कि वो पर्सन ना सोचेगा नहीं कि आपको कैसा लगेगा या आपको हर्ट करेगा, क्योंकि जब उनके पास आपके सवालों के जवाब ख़त्म हो जाएंगे तब वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपके सामने फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, ताकि वो ना आपको इन सवालों से दूर ही रखना चाहता है, वो जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। अब वो ये तो नहीं बता सकता कि मन भर गया, बहुत सारे लोग कहते भी है कि अब फीलिंग नहीं है, तो उनका मन ही भर गया है। चौथा रीज़न, यहाँ पर आपको कन्फर्मली यहाँ पर ये तय हो जाता है कि यार उस इंसान का हमसे अब मन भर गया, और वो है उस इंसान को ना आपकी कोई फिक्र नहीं रहती, आपकी कोई केयर नहीं रहती हर चीज़ में, लाइक उनके बिना आप कितने परेशान हो रहे हो, उनके बिना आप कितने दुखी हो रहे हो, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में वो सोचता ही नहीं है। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये एकदम क्लियर साइन है कि वो इंसान का ना मन भर गया है, वो ऊब गया है, वो थक गया है, उनको आपके साथ बात करना, आपके साथ रिलेशन में रहना अब इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, ऊपर से ये सारी चीज़ उनके लिए बोर होगी, यानी उनका मन भर गया है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ये साइन मैच हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि वो पर्सन हमसे बोर हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, उनका मन भर गया है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जनरली बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में होता है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे
कि ये क्यों हुआ। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी हमारी गलती जिसके कारण उनका इतना जल्दी मन भर गया। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अगर उनका मन भर गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि वापस से उस इंसान की एफर्ट इस रिलेशनशिप में आए, वापस से वो आपके साथ सही से चीज़ें करने लगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।